हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपको अपना एक खूबसूरत सा सकुलेंट प्लांट दिखा रही हूँ जो पैचीफाइटम मूनस्टोन की वैरायटी है। तो देखने में ये बिल्कुल मूनस्टोन की जैसा ही लगता है। आजकल इसकी जो ग्रोथ है बहुत प्यारी हो रही है क्योंकि ये विंटर में अच्छे से प्लांट जो है ग्रो करता है। और इसको मैंने लिया था शायद जब समर स्टार्ट होने वाली थी या हो चुकी थी, कुछ ऐसे ही। मैं एक जो शायद ऑर्किड के गार्डन से लिया था या शायद कहीं और से, मुझे अब अच्छे से याद नहीं है। तो इसमें एक क्रेसुला की वैरायटी है। ऊपर से तो ये बिल्कुल प्लेन है, नीचे से वेरिएटेड है। ये पता नहीं कैसे हो गया या दोनों अलग अलग कटिंग है। तो इसके नीचे नीचे आप देख सकते हैं कितनी बुशी ग्रोथ इसकी हो रही है और इसके जो कलर हैं एकदम से चेंज भी होने लगे हैं। और नीचे जितने भी इसके लीव्स गिरते हैं उनमें से दो दो तीन तीन प्लांट्स जो हैं वो निकल ही आते हैं। तो बिल्कुल ये मूनस्टोन के जैसा ही दिखता है, उसी की तरह ग्रो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्डी है। वैसे तो मेरे हिसाब से मूनस्टोन भी हार्डी ही प्लांट है क्योंकि मेरे पास अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म होते होते फिर से वो ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, जाए शायद ये स्नेल है, उस टाइप का कुछ इंसेक्ट है, तो शायद ये इसको खा रहा है। तो आज थोड़ी बारिश हुई थी तो उसकी जो बूंदें हैं वो इस पर पड़ी हुई हैं, इसलिए ये गीला गीला सा है। ऐसे जो इसकी सॉइल है काफ़ी अच्छी मैंने बनाई है, जैसे पेड़ की जो छिलका होती है वो ज़्यादा यूज़ की है मैंने। सकुलेंट्स में यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पानी जमा नहीं रहता, जल्दी सूख जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो इसके आप कलर देख सकते हैं, पहले कुछ ऐसे थे और आजकल कुछ ऐसे निकल रहे हैं क्योंकि अभी सर्दियां जो हैं यहाँ पे शुरू होनी, मतलब जो मौसम चेंज होने का असर है पौधों पे होने लगा है। तो इसका कलर बहुत आज फ्रेश सा लग रहा है, प्यारा सा। तो नीचे भी आप देख सकते हैं जितने भी इसके लीव्स गिरे हैं उनमें से दो दो तीन तीन इसके जो नए प्लांट हैं, बेबी प्लांट, वो बन रहे हैं। तो आने वाले सर्दियों के मौसम में जैसे नवंबर दिसंबर आएगा तब तक ये प्लांट बहुत खूबसूरत होने वाला है। और अभी से इसकी ग्रोथ बुशी है तो तब तक तो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये प्लांट मैंने शायद 50 में लिया था और जब से लिया है तब से मैंने इसी में ग्रो किया है और इसकी जगह या कुछ भी इसको चेंज नहीं किया है। पानी इसमें मैं डेली नहीं डालती हूँ, जब मुझे लगता है कि प्लांट को काफ़ी दिन हो गए पानी नहीं दिया तभी देती हूँ। तो सॉइल है इसकी वो भी मैंने, जैसे मिट्टी कम है और बाकी जो इसकी पौधों की जो छिरका होती है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे धूप भी पड़ जाती है जिस जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है, ज़्यादा डायरेक्ट भी नहीं पड़ती है। सुबह की मॉर्निंग की जो अच्छी वाली धूप इनको चाहिए होती है वही मिलती है और हवा भी मिलती है। तो बालकनी में मेरे प्लांट्स को अच्छी खासी हवा नहीं मिल पाती है क्योंकि मैंने थोड़ा आगे से कवर भी कर रखी है। ऊपर जो इसकी छत है वो भी काफ़ी लंबी है, तो अगर मैं इन सबको टेरेस पे रखूँ तो इनकी ग्रोथ कुछ अलग ही हो। तो फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।